नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में आज हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली थी एक लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे कि उससे बेस जो है न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले आज का सुविचार देखेंगे। बीच बीच में बातें होती रहेंगी और आपको कोई बात अगर समझ में ना आए या कुछ आपको ये बताए आपको लगे कि ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, आप जो कमेंट करें, आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा। आइए आज का सुविचार देखिए कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए कठिनाई से ना डरें, अपने लक्ष्य की तरफ आप निरंतर पढ़ते रहें। कई बार आप ठोकर खा के गिरेंगे लेकिन उससे आपको हताश निराश नहीं होना है। आप जितना कठिनाई से पहुंचेंगे सक्सेस को डाइजेस्ट करना उतना ही आसान होगा। बहुत आसानी से पा जाना चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, चीज़ें उससे ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो आप इससे बिना डरे आगे बढ़ें। नंबर सिस्टम जो है आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके पहले थ्योरी देख लें, उनको ये जो है न्यूमेरिकल पोर्शन करने में आसानी हो जाएगी। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें सारी चीज़ें इसमें रिवाइज हो जाएंगी। आइए बिना देर किए हम जो है क्वेश्चन नंबर एक पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड करिएगा और थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्य है, इसमें कह रहा है जीरो की बात कर रहा है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कि धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बहुत बच्चे जो पहले जो है इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे थ्योरी वाला, वो तुरंत बताएंगे कि पूर्णांक संख्या है। जो नहीं जा गए हैं थ्योरी नहीं देखे उनके लिए थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाते हैं कैसे ये पूर्णांक है कि जीरो। ये नंबर जो है ये जो है आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा में जीरो जो है मिडिल में होता है, उसके इधर दाहिने साइड आपका पॉजिटिव और इधर जो है बाएं साइड नेगेटिव, प्लस वन प्लस टू ऐसे ही अनंत तक, और यहाँ पे माइनस साइड माइनस अनंत तक। अब जब जीरो की बात किया, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताया था कि एक से स्टार्ट होता है। अब बात आती है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो कहाँ पे आपका है, ये है जीरो। इसके जब दाहिने तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव आता है एक से, और इसके नेगेटिव साइड चलेंगे जब आपका तो आता है कि नेगेटिव पूर्णांक होगा, और जीरो जो है आपका क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी। आंसर इसमें बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब ज़्यादा थ्योरी पे नहीं, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पीछे के भी थोड़ी सी थ्योरी आपको बताई। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पढ़िए और करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर टू एक बार रीड करिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सत्य नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो आप यहां तक पढ़ेगा सत्य है और लगा के चला आएगा, गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के अंदर ही आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है, तो ये बात तो कोई दिक्कत है नहीं कि रियल नंबर हमने बनाया था उसके बाद यहाँ लिखा था वास्तविक संख्या, यहाँ पे लिखा था परिमेय संख्या और अपरिमेय। रियल के नीचे क्या लिखा था, परिमेय और अपरिमेय। आप जो अब विजुअल जो है अपने दिमाग में चलने दीजिए जो मैंने इसके पहले बताया था। तो पहला तो हो गया सही क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही परिमेय संख्या आती है। आइए क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी पे आइए, ऑप्शन बी पे क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बात गलत नहीं लग रही है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती, नहीं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, नहीं, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका हो गया गलत। अब आपसे पूछा है गलत क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो चुका है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हुआ, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। आ जाइए आगे, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर तीन, एक बार रीड करिए। और ये क्वेश्चन जो है RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है, इसको एक बार आप रीड करिए। किसका क्वेश्चन है ये, RRB NTPC 2016। क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा,
कि यदि एक सम संख्या सॉरी यदि x जो है एक सम संख्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। अब ऑप्शन आपके कुछ दे रखे हैं, वहां जाने से पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा x एक सम संख्या है तो आगे क्या होगा, तो x को एक सम संख्या मान लीजिए। देखिए कैसे, कि ये कह रहा है x एक सम संख्या है, इवन नंबर, x इज इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या। अब देखिए आपको एक सम संख्या कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी सम संख्या, जैसे स्टार्टिंग से उठाइए, पहली सम संख्या क्या होती है दो, यहाँ आप चार मान लेंगे तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कुछ भी मानिए। अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब कह रहा है अगली विषम संख्या कौन सी होगी, इसके बाद विषम संख्या दो के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, तीन आती है, तो कितना जोड़ना पड़ा, एक जोड़ना पड़ा तो तीन आ गई। तो हमारा अगर x जो है इवन दे रखा है तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो हमारा ये विषम हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर इसी के फॉर्म में पूछ रहा है, x प्लस वन, ऑप्शन बी हो गया सही, यहाँ तक हो गया। जैसे आपको लग रहा है कि x नहीं समझ में आ रहा है हमें, बहुत लोगों को x फोबिया होता है, उनको x जहाँ x आ गया उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो आप x हटा दीजिए, x के स्थान पर जहाँ जहाँ ऑप्शन में है वहाँ दो रख दीजिए, जैसे आप जो माने दो रख दीजिए। तो ऑप्शन दो में जब जाएंगे, देखिए पहले हम करेंगे तो ए दो माइनस एक हो जाएगा, एक आ जाएगा, ऐसे जब बी में जाएंगे तो बी में आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, x प्लस वन, और आपको विषम पूछा है तो x के स्थान पे हम दो यहाँ पे मान रखे हैं। हालांकि नॉर्मल चीज है, x आपका जो है जब इवन नंबर है उसमें एक जोड़ेंगे, यहाँ से हमने आपको समझाया तो x प्लस वन हमारा आंसर हो गया, अगली विषम संख्या x प्लस वन होगी। अगर हम कह रहे हैं इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता फिर आप ये स्टेप लीजिए, अगर पता लगे कि ये आप कर लिए, नहीं नहीं मास्टर ने बताया ये भी करके देखेंगे, तो करके देखेंगे तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे, जहां आपको आंसर मिले वही आपका आंसर हो गया सही आंसर, कई मेथड से करके आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ आइए, यक्ष जो हमने दो माना था और एक जोड़ दिया तीन, अगली विषम संख्या तीन मिल गई, ऑप्शन बी, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर फोर पे चलेंगे और एक बार रीड करेंगे, एक बार पढ़िए, करने का प्रयास करिए, आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो मास्टर तो है ही। क्वेश्चन नंबर फोर रीड करिए एक बार और करिए, क्या कह रहा है कि चौथा, फोर्थ नंबर, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज, पहली ऋण संख्या है और ये भी जो है आर आर बी गुवाहाटी 2005 का क्वेश्चन है सुपरवाइजर का, पहली ऋण संख्या प्राइम नंबर क्या है आपका। अच्छा अब आपको पीछे जाना पड़ेगा थ्योरी के फॉर्म में, मैंने कहाँ से बताया था प्राइम नंबर चालू होता है, दो तीन, और दो कैसे, और दो के लिए मैंने एक चीज़ स्पेसिफिक आपको और बताया था, दो और क्या है, दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो सम भी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो आप आंसर लगा के आएंगे दो। ठीक है, और पहली ऋण संख्या क्या होती है, दो होती है, क्योंकि दो से ही स्टार्ट होता है दो, हाँ रूढ़ी है ना अभाज्य संख्या, तो दो तीन पाँच सात ग्यारह ऐसे ही बढ़ता है, तो स्टार्टिंग का पहला ही पूछा है तो आंसर हम बी लगा देंगे, दो हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ेंगे और करेंगे, बात आपको समझ में आ रही होगी, जो थ्योरी पढ़ा होगा उसको तो पूरी तरह से आ रही होगी, अब जो नहीं पढ़ा उसके लिए समस्या ही है, वो समस्या क्या, उसकी ज़िंदगी फिर समस्या है, फिर ध्यान देते रहें, चीज़ें जो पढ़ाई जाए आप उस पर फोकस से ध्यान दें, और मैंने चीज़ें बार बार बताई हैं कि चीज़ें पढ़िए अच्छी बात है, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको रिवाइज करना और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पढ़ा ज़्यादा ध्यान नहीं है, नहीं सॉरी पढ़ा जो है जरूर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन रिवाइज करना, क्योंकि आप परीक्षा हाल में जब बैठे आपको याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि धुदला धुदला सा ऐसा तो था कुछ बताया गया, तब नहीं हो पाएगा, रिवाइज करते रहें। आइए ये हुआ ज्ञान की बात, पहले क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ें एक बार क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान दीजिए कि नहीं है, तो सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे को प्राइम पेयर, जो संख्या किसी से ना कटे, मतलब कि जिसका एच सी एफ, दो संख्याओं के बीच का एच सी एफ, हमने क्या बताया, जैसे दो और तीन ले लिया था, हमने कहा था ये को प्राइम है कि नहीं, तो आपने उसमें क्या बताया कि जिसका एच सी एफ एक आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ इक्वल टू वन, वो हमारा जो है को प्राइम होता है, यही बात बताई गई थी कि एच सी एफ हमारा दो संख्याओं का एच सी एफ एक आना चाहिए, तो जो है वो को प्राइम होगा,
और एस सी एफ एक कब आएगा, जब दोनों संख्या जो होता है दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो डिवाइड करे, तो हम क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान देंगे और ऑप्शन में वही ढूंढेंगे जो संख्या कटे, जो अगर कट गई या सी एफ एक के अलावा कुछ मिल गया तो हमारा वो जो है कोप्राइम नहीं होगा। तो आइए आप चेक करिएगा, अब ऐसे 35 है 51 है, एक बार लिख लो यार ऑप्शन, इसका ऑप्शन लिख लो एक बार, पहला क्या दिया है 35 और 51, पहला ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है 75 और 104, फिर आपका क्या आता है 49 133, अब उसके बाद आया 63 और 95, ये आपके हो गए तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसमें को प्राइम बताना है, अब को प्राइम पेयर कैसे बताइएगा कि देखिए आपको को प्राइम जब कह दिया जाए कि पूछा नहीं है, तो आप एक ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए जिसमें एच सी एफ एक के अलावा हो, तो एच सी एफ कोई ऐसा कॉमन नंबर मिल जाए कि जिससे हम कट जाए। जैसे देखो अब ये तो आपके प्रैक्टिस पे है कि आप काटना जानते हो, जैसे पहली बात तो जब अगर चेक करना हो ऐसे तो आप ऐसे चेक करना, तीन से चेक करना, पहले दो से चेक करना, दो से देखो कोई नहीं है, फिर तीन से चेक करना, तीन क्या होता है संख्याओं का योग, अगर तीन से डिवाइड हो, तीन हो गया, नौ हो गया, ग्यारह हो गया, सात हो गया, ज़्यादा करके ऐसे क्वेश्चन 7, 11, 13 जरूर चेक करिए। अब आइए 7 वाला देखते हैं कि 7 × 49 और 7 × 21 और 7 × 9 = 63, ठीक है ये 7 से कट गया। अब इसका एच सी एफ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 हो गया, एक के अलावा अगर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी हो जाए तो हमारा जो है को प्राइम नहीं होता है, तो और इसमें जो है यही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमने को प्राइम क्यों बता दिया कि ये नहीं है, क्योंकि उसमें जो है एच सी एफ एक नहीं आ रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य है, अच्छा इसे पूछ लिया कि को प्राइम कौन सा है, तो देखो को प्राइम बताने के लिए हम क्या करेंगे कि देख लेंगे जिसका एच सी एफ एक आए, तो ऑप्शन आप चेक करिएगा कि एक डी ऑप्शन जो है आपका 18 और 35 इसका एच सी एफ एक ही होगा, क्योंकि ये किसी और संख्या से कटेंगे ही नहीं, ठीक है, तो हमारा एच सी एफ 1 आया, जैसे ही 1 आया हम तुरंत कह दिए कि ये हमारा को प्राइम नंबर है, तो आंसर डी इसमें सही हो गया। और ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान देते हुए आगे बढ़ें कि चीज़ें ऐसा नहीं छोटी चीज़ें हैं कि हम छोड़ देंगे, नहीं ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे कोई भी एग्जाम, जैसे यूपीएसआई 2017 का टफ क्वेश्चनों में गिना टफ पेपरों में गिना जाता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा और करने का प्रयास करिए इसमें कि निम्न संख्याओं में कौन सी भाज्य संख्या है, अच्छा भाज्य पूछ रहा है आपसे, और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ये जो आपका आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार पढ़िए और आप करने का प्रयास करिए। निम्न में से आपको भाज्य बता देना है कि जो संख्या खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता हमें मिल जाए तो हमें भाज्य पता लग जाएगा, जैसे कि आपका 91 ऑप्शन ए ही है, अब 91 किससे किससे कटेगा, तो 91 एक और खुद से तो कट ही रहा है, अब इसके अलावा हमें कोई भी एक संख्या मिल जाए जो इसको काट रहा हो तो हमारे लिए भाज्य हो जाएगी, खुद और एक के अलावा किसी संख्या तीसरी संख्या में मिल जाए वो संख्या फिर भाज्य होने लगती है। आइए इसको देखिए 7 से काटी कटेगा क्या, 7 × 7 = 2, 9 × 7 = 21, 23 बार जाएगा 7 से कटेगा, ऐसे ही 13 × 7 = 91, 13 से कटेगा, अब भैया 1 और 91 खुद और एक के अलावा मुझे एक संख्या मिल जाती है हमारे भाज्य हो जाता है, तो ये तो दो संख्या से कट रही है यार, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ खत्म हो जाए सवाल जी, नहीं तो फिर बचा रह जाएगा, इसके बाद नया टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी चालू करेंगे, वो मैंने उसका भी फॉर्मेट आपको बताया है। निम्न में से अपरिमेय संख्या आपको बता देनी है, अब फिर जो थ्योरी पे जाएगा, अपरिमेय संख्या हमने कहाँ बताया था, रियल नंबर के दो पार्ट थे परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय क्या था, वो संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, और इसमें कौन सा होगा, अब देखिए ऑप्शन में ए देखिए,
पहली बात तो हमने बता दिया था पाई ई, और जो रूट के अंदर जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकाला जा सकता वो सब जो है अपरमेय है। अब देखिए यहाँ पे एक पहला ही ऑप्शन देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा 0.38। अभी हम बार के क्वेश्चन नहीं बताएं, बस आप इतना जान लीजिए कि पॉइंट के बाद अगर तुरंत बार हो, तुरंत बार हो, अभी जब इसको बार बताएंगे क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि पॉइंट के बाद अगर बार आ रहा है तो हम तुरंत जितने के ऊपर नौ बार है उतने नौ लगा देंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना ही सीखिए, जब आगे हम बढ़ेंगे इसको जो है फॉर्मेट पूरा बताएंगे तो हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है। दशमलव 3.8 पे बार है तो 3.8 वैसे ही उतार लीजिए, और जितने दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार है उतने हम नौ लगाएंगे बेस में। अब देखिए परिमेय संख्या हमारा क्या कहता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में भाई लिखा गया 38/99 पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा गया तो लिखा गया, अच्छा। और क्या दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, 99 जीरो तो है नहीं, हमारा दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। आप परिमेय संख्या नहीं है, जो आप परिमेय संख्या नहीं इसका मतलब परिमेय है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करिए क्वेश्चन नंबर 9, और जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं प्रयास ही कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं तो प्रयास फिर करिए और लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए और करिए कि निम्न में से कौन सी संख्या जो होता है संयुक्त संख्या नहीं है, क्या है संयुक्त संख्या नहीं है। अब देखो इसमें से थोड़ा सा लग सकता है आपको टफ कि मास्टर जो है पहले से देख के आया होगा, नहीं, अब आपके प्रैक्टिस पे है कि हमने संयुक्त संख्या क्या बताई थी, जिसका कोई भी खंड ना हो सके, कोई खंड नहीं हो सकता उसकी और एक और खुद के अलावा। तो आइए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है 943, और जब 943 देखेंगे आप, 943 जब इसको 23 से काटेंगे 23×41 का जो है ये मल्टीपल होगा, इसका मतलब तो ये कट तो रहा है। अब ऐसे आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पे आ जाइए, पहले बी छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि 323 आप करके देखिएगा, जिस 17×19 का जो है आपका मल्टीपल है, कट रहा है भाई हमें, लेकिन चाहिए क्या, संयुक्त युग नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब जो है कटना किसी से नहीं चाहिए वो। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए, डी क्या है कि 713 है, और जब आप 713 को देखेंगे 23×31 का ये मल्टीपल होगा। इसमें एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पी 409, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, 9×4=13, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि 12 आ रहा है 3 से कट रहा है, नहीं, ऑप्शन बी जो है किसी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए हमारे ये संयुक्त युग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। और RRB ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 10 पे, इसके बाद जो है 10 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, आज की हम इस नंबर सिस्टम को ही विदा कर देंगे, क्योंकि इसमें दो लेक्चर, एक लेक्चर हो गया आपका थ्योरी का और एक जो है आपके लिए हो गया प्रैक्टिस, काम खत्म। अब आइए निम्न में से कौन सी एक संख्या भाज्य संख्या है, अच्छा विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो और ये क्वेश्चन जो होता है RRB NTPC मेंस 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या क्या है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या हो, विषम हो और भाज्य हो, हम आएंगे पहले देखिए 15 है, 17 है, 12 है, 13 है, ऑप्शन आप देखते रहिए कि 15 है, 17 है, 12 है, 13 है, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 विषम नहीं है, और 13 किसी से कटता नहीं है, और 17 किसी से नहीं कटता है, तो ये तो अभाज्य हो गए 17 और 13। 15 देखिए अब संख्या, 15 तो विषम भी है और वो कटता भी है, भाज्य भी है, कैसे कटता है, 3×5 15 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये जो है आपका भाज्य संख्या है और विषम भी है, तो आंसर इसमें जो है आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है था UPSI 2017 का क्वेश्चन है, ये UPSI 2017 क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा जब ऐसे भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे देखें कि सम विषम, पढ़िए एक बार तो बताते हैं कि मान लें P, Q और R विशिष्ट पूर्णांक है, अच्छा भैया पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक, अब आपके दिमाग क्लिक करना, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक, बस आगे बढ़ जाइए।
आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है, निम्न व्यंजकों में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, अभी आप बिल्कुल दिमाग लगाए बिना आप जो जो कह रहा है लिख लीजिए। कह रहा है कि आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है। आर क्या है? धनात्मक है और सम है। सम में आप कुछ भी मान लीजिए, सम स्टार्ट कहाँ से होता है? 2, 4, 6, 8, 10, और धनात्मक है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी थ्योरी सब बताते समय कि सम क्या, सम संख्याएं क्या दो ही होती हैं, चार ही होती, माइनस दो नहीं होती, तो माइनस होती हैं। यहाँ से प्रूफ होता है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, वो ये भी कह सकता था कि ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए और सम संख्या, तो आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, तो सम और धनात्मक प्लस दो, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, प्लस फोर मान लीजिए, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आगे आइए, जबकि पी और क्यू विषम पूर्णांक है, तो पी और क्यू कह रहा है आपका विषम पूर्णांक है, तो विषम में आप पाँच मान लीजिए, पूर्णांक तो है ही, और पाँच पी को तीन और क्यू को पाँच मान लीजिए, कुछ भी किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ तक कह दिए, अब जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। जो आपकी पी क्यू आर ये सब दिया गया, बस आप यही वैल्यू जो है जो आप माने पुट करते जाएं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, और आपसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है, सत्य नहीं है तो क्यू, पहले देखिए क्यू पी माइनस आर कह रहा है कि ऑड है, मतलब विषम है, तो देख लेते हैं कि क्यू की वैल्यू कितनी है, पाँच, P की वैल्यू कितनी है, तीन, और R की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे तीन माइनस दो एक गुणे पाँच आ गया हमारा आंसर। पाँच क्या विषम है? हाँ भाई विषम है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, और उसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। अब आइए ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी चेक करिए, क्या कह रहा है कि पी माइनस आर का होल स्क्वायर, पी माइनस आर का होल स्क्वायर कह रहा है इवन है, ये इवन सम संख्या है क्या ये? अब आप पुट करिए अपना, पी कितना है, तीन, आर कितना है, दो का होल स्क्वायर, तीन में से दो गए एक, एक का स्क्वायर बराबर एक, एक क्या सम संख्या है? नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे से पूछा भी वही है कि निम्न व्यंजकों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो बी नहीं सत्य है, एक सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा ऑड है, लेकिन कह रहा है इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो हमारा बी मिल गया। ऐसे ही आप सी और डी भी चेक कर लेंगे, वो तो सही है, सही यही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बी। आज एक क्वेश्चन नंबर 12 पे, इतनी रामगाथा हो गई, क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान लगाइए और पढ़िए अभी, और ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 का है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन, पढ़ी लीजिए एक बार, पढ़िए भाई, पढ़िए और करने का प्रयास करिए। निम्न में से कौन सी संख्या जो होता है रूढ़ संख्या है? अच्छा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा है बता दीजिए, अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन आपके कौन से दिए, 47 दे रखा है, 39 दे रखा है, 51 दे रखा है, 27 दे रखा है। अब देखिए 27 तो 3 से कटता है, 3 53 9 3 27 और 9 से भी कटता है, 51 जो है आपका 5 1 6 3 से कटता है, 51 तो 3 से कटता है ना, ठीक है ये हो गया भैया, 39 13 3 39 13 का मल्टीपल है 39। अब आए एक संख्या 47 बच रही है, तो 47 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, बस यही पूछ रहा था। इसमें जो होता है 12 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलिए, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 भी 2017 का ही क्वेश्चन है, तो इसको नहीं मिटाना, 2017 की क्वेश्चन है यूपीएसआई का, पढ़िए एक बार। कह रहा है कि 3√16 एक डॉट डॉट है, लिख लीजिए पहले जो बोल रहा है, 3√16, अच्छा 3√16 लिखने यहाँ मत छोड़िए इसको, 3√ है, 3 × है, नहीं तो पता लगे ऐसे हो जाता है ना, क्यूबिक निकालना है, यहाँ पे 3 अगर लिखा हो तो वो नहीं है, 3 × 16 है, तो 3 4 16 रूट से बाहर निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आप पढ़ते जाइए ऑप्शन और बताइए इसको क्या है, ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 12 है तो 12/1 पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन पहला तो तुरंत ही गलत हो गया, अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है।
तो ऐसे याद एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी के लिए हमने क्या बताया था, आयोटा आना चाहिए। आई जब रूट के अंदर जो है माइनस वन आए, इसको बाहर निकालो तो बाहर निकालो तो आयोटा आ जाए। काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक है, पूरा रियल नंबर लग रहा है। आगे आ जाइए, अच्छा रियल के ही पार्ट हैं इमेजिनरी और परमेय और अपरमेय, और उसके बाद इमेजिनरी काल्पनिक तो कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आइए पूर्णांक, अब आई बात पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है ना, 12 पूर्णांक नहीं है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच जितनी संख्याएं आती हैं सब पूर्णांक, आपको हम बता चुके हैं ना पूर्णांक संख्या। तो हमारा तो सी सही हो गया। अब आ जाइए अभाज्य संख्या है, अभाज्य कैसे होगा, भाज्य है, 12 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो भाज्य है, तो अभाज्य की बात ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। 2017 क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, समय ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाते ही ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको समझाना पड़ेगा, तो अब हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। और समझाने से पहले ये भी बता दें कि इसको फर्जी मिटाया गया, क्योंकि UPSI 2017 का ये भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात को आप ध्यान से एक क्वेश्चन में समझिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन एक दो और रखे हैं, वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 13, 24, 68, ये आपको एक संख्या दी गई है, उसमें कहा जा रहा है कि संख्या पढ़िए, में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। अच्छा अब देखिए, पहली बात तो अंकित मान जब कहीं भी अंकित मान आ जाए, ऐसे याद रखना, पहली बात तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अंकित मान और स्थानीय मान में। अंकित मान, अंकित लग रहा है ना किसी आदमी का नाम होगा, अंकित, अंकित, अंकुर, ये सब देखो आदमी का नाम है, तो आदमी एक ही होगा ना, एक आदमी होगा जिसका अंकित नाम होगा, तो जब अंकित मान की बात आए तो वही जिसको कह रहा है उसको लिख लीजिए तुरंत, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंकित मतलब एक फिक्स आदमी है, किसी कहे ये अंकित है, ये राम है, ये श्याम है, तो वो जो है चेंज नहीं होगा, तो वो तो सेम रह जाएगा, 3 अंकित, अंकित मान, जब अंकित की बात आए अंकित मान, तो ये। अब इसके बाद एक टर्म सवाल आता है स्थानीय मान, स्थानीय मान आ जाइए, स्थानीय मान, अंकित मान हो गया, स्थानीय मान क्या करिए, आप वो संख्या तो लिखिए लेकिन उसके जितने पीछे संख्या है उतने जीरो आप चिपका दीजिए उसको, लो जीरो चिपका दो, कितने जीरो लगेंगे, 3 का हमें निकालना है स्थानीय मान, स्थानीय मान तो उसके पहले कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, उतने हमें जीरो चिपका देने हैं बस। अंकित मान में वो सेम संख्या वैसे ही जैसे कह रहा है वैसे उतार लीजिए अंकित मान, और स्थानीय मान में वो संख्या तो उतारिए लेकिन उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो आप चिपका दीजिए। अब दोनों को पूछा क्या है, दोनों का योग बता दीजिए, तो अंकित मान 3 और स्थानीय मान क्या, ठीक है 30,000 है, इनको ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 30,003, ये आपका हो गया, दोनों का योग किया गया, अंकित मान का और स्थानीय मान का योग कर लिया गया, और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। लो यहाँ तक कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, ऐसे एक दो क्वेश्चन और हैं, आप जो है उसको करें, आप जो है समापन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो था RRB ग्रुप डी 2017 का क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, RRB ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्या कह रहा है, संख्या पहले लिख लीजिए, 14, 52, 0, 58। अब क्या कह रहा है, में 2, 5 के स्थानीय मानों का, में 2, 5 के स्थानीय मानों का अंतर बता दीजिए। अच्छा इसमें देखो 2, 5 होंगे, 1, 5 ये है आपका, 1, 5 ये है आपका। अब इसका जो है स्थानीय मान निकालने के लिए अपन क्या कहेंगे कि 5 हमने क्या कहा, वो संख्या स्थानीय मान के लिए रखिए और उसके पीछे जितने जीरो है लगा दीजिए, तो 5 के पहले कितने 8 हैं, कितनी संख्या है 1, तो जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका कह रहा है दोनों के स्थानीय मान निकाल लीजिए, तो 5 ये भी है, उसके पहले कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो हो गया। अब कह रहा है कि दोनों स्थानीय मानों के, 5 के दोनों स्थानीय मानों के अंतर बताना है आपको, तो अंतर बताने के लिए क्या करिएगा, क्या अंतर कर देंगे नॉर्मल से, 5,000, 5 है 50 है, 50,000 और 50 से माइनस कर दीजिए, करिए माइनस, तो
तो ये 0 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 9 आ जाएगी, यहाँ 9 आएगा, 4 4 9 9 4 9 9 5 0। आंसर कौन सा आई इसमें चेक करिए, आंसर नंबर बी आपका हो गया। ऐसे लल्लू लल्लू उस क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं रहा अंकित मान और स्थानीय मान में, आप गलत करके चले आएंगे और सिलेक्शन से आप दूर होते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 इसी पे बेसिस है, बेस्ड है, लेकिन जो है आप इसको गलत करेंगे, मुझे ऐसी आशा है, और आप लोग मुझे मेरी बातों पे आप खरा उतरें और आप इसको गलत करें तो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है कि 12.25 12.2543। अब इसमें क्या कह रहा है कि मैं अंक 3 का स्थानीय मान निकालिए, और एक आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018। अब कह रहा है 3, अभी तक तो नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, दशमलव का कहीं जिक्र नहीं था, अब आ गया दशमलव, अब दशमलव आ गया तो दिक्कत आ गई। अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे ऐसे ही, दशमलव के दशमलव से जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ दशमलव, इसके जितने पहले अंक है उतना 0 चिपका देंगे, और दशमलव को रख कर 1 2 3 0.0003 ये आपका आंसर होगा। जैसे दशमलव के बाद जो संख्या है, जैसे सब 5 का निकालना होगा तो क्या बताएंगे आप, 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे, उसके पहले दशमलव के पहले जितना अंक है उतना 0 चिपका देंगे, तो 0.05 ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्योंकि जो है इसको इस फॉर्म में दिया गया है, फॉर्मेट वही है 3/1 2 3 ऐसे ही ना कुछ, हाँ इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए या इस फॉर्म में लिख लीजिए, सब सही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा इसमें 4 0 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 फॉर्म, इसका आ गया आंसर आपका डी, आंसर डी आ गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए, लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करेंगे और इसको जो है नंबर सिस्टम को विदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 56 987 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मानों के बीच अंतर बता दीजिए, सेम चीजें हैं, कोई इतना एफर्ट बात है नहीं, अब काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, 23 56 और 987, अब किस संख्या क्या है, 5, 5 का हमने क्या बताया, अंकित मान मतलब वो जो है अंकित फिक्स होगा, बस जो संख्या वो ही लिख लो, स्थानीय मान में क्या करोगे 5, उसके पहले जितने भी अंक है उतने 0 चिपका दो, लो चिपक गए 0। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, और ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन आए हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि कराया जा रहा है, और 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 9 9 9 4 4 9 9 5 इसका आंसर आ गया, आंसर इसमें जो हो गया आंसर नंबर डी। आज एक क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है एक बार पढ़िए और करिए, क्वेश्चन नंबर 18 निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न जो होता है, अच्छा देख लो 18 निम्न, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार ध्यान से लगाइए, यहाँ यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन भी है, ये क्या कह रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न जो होता है पुनरावृत्त और आवृत्ति दशमलव है, ये मैंने थ्योरी में बताया था, आवृत्ति कौन सा जो रिपीट करता जाए, रिपीट करता जाए इसलिए पे बार लगाना जो है संभव हो, तो आप निकाल लीजिएगा इसमें जो है आंसर डी जो है, जब इसको जो आंसर डी को जो है 3/11 को सॉल्व करेंगे, 3/11 तो इसकी वैल्यू आ गई 0.27 27 27 27 ऐसे ही इन्फिनिटी तक, ये बढ़ता जा रहा है मतलब रिपीट करता जाए, आवृत्ति पुनरावृत्ति और आवृत्ति दशमलव यही है, मैंने इस चीज़ को थ्योरी में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया था, तो आंसर डी हो जाएगा इसमें, जो कि रिपीट कर रहा है, बाकी ऑप्शन गलत है। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने अभाज्य संख्या हैं, तो आप जान लीजिए, मैं दो चीज़ें बता देता हूँ कि 1 से 100 तक के बीच आपको
एक से सौ तक के बीच आपको 25 जो है आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, एक से सौ के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है तो 25 होती हैं। एक से 50 तक कितनी होती है ये भी याद रखिए, 15 होती हैं। ठीक है, एक से 50 के बीच आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती हैं। अब उसके बाद आप आ जाइए 50 से 100 के बीच अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है तो 10 हैं। और टोटल जब इनको देखिए, इनको ऐड कर लिए 25 आ गया। वही क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से 100 तक के बीच प्राकृतिक संख्या में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो आंसर हो जाएगा 25, आंसर नंबर ए। और ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। अब कैसे याद करेंगे वो आपकी दिक्कत है कि 1 से 100 तक में 25 होते हैं, अब 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं, और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होता है वो 10 होते हैं। ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ नंबर ऑफ प्राइम नंबर की संख्या है इनके बीच। आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और जो है नंबर सिस्टम को देंगे विदा। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए, देखिए क्या कहता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखें। 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है, अभाज्य युग्म ट्विंस प्राइम। हमने इसके पहले जब आपका थ्योरी बताया था और लास्ट पॉइंट यही बताया था ट्विंस नंबर क्या होते हैं। ट्विंस नंबर वो होते हैं जिनके बीच गैप जो होता है दो का होता है, जैसे 2 और 5, 3, 2, 5 हो गया ना, हटा दो इसको, जिसके बीच अंतर 3 और 5, जिसके बीच अंतर 2 का होगा वो हमारे होते हैं ट्विंस नंबर। 5 और 7, 2, 2, 4, तो ये सब जो होते हैं हमारे ट्विंस नंबर होते हैं। और कह रहा है कि 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य युग्म कितने होंगे, अभाज्य युग्म कितने होंगे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ जाएगा कि 1 से 100 के बीच 8 होते हैं अभाज्य युग्म, और 100 से 200 के बीच आपको युग्म होते हैं 7। युग्म निकालना हो तो उसी तरह से निकालिएगा कि जिसके बीच 2-2 का अंतर हो। ठीक है, मैंने बताया था कितने अभाज्य युग्म हैं, भाज्य नहीं होने चाहिए, अभाज्य ही होने चाहिए। जैसे 3, 5, हम ये कहेंगे 4 और 6 ले लेंगे, 4, 2, 6 गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है और 6 भी भाज्य संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो याद रख लीजिए 1 से 100 के बीच आपके अभाज्य युग्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। 100 से 200 कितने बीच होते हैं, 7 होते हैं। और आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है 20 में कि कितने अभाज्य युग्म हैं 100 से 200 के बीच, आंसर सी हो जाएगा, 7। और ये भी याद रखें 1 से 100 के बीच 8 होते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम आपकी थ्योरी हो गई, आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए थे। अब जो है नंबर सिस्टम इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, इतना आप पढ़ लिए एनफ है। कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, इसके बाहर का लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बाकी और कुछ ऐड नहीं कर सकता है। अब लैंग्वेज है तो अपने तरीके से पूछेगा ही। ठीक है, चलिए ये आपका ख़त्म हो गया। आगे जब आएंगे तो डिविजिबिलिटी पढ़ी जाएगी आगे क्रम में, नेक्स्ट टॉपिक है। इसको बाबुल की दुआएं देते हैं, जा खुश रहे और आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो जो आपको लगे कि ये हमें पहले पढ़ना है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पहले हम वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, इससे जो है हौसला बना रहता है, और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।